हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर टेन जिसका नाम है द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट टू जिसका अर्थ है पत्थर का बना महान चेहरा ये चैप्टर दो चैप्टर्स की सीरीज का दूसरा पार्ट है पहले मैं आपको दोनों चैप्टर्स की कहानी बताऊंगा फिर हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे ये कहानी अर्नेस नाम के व्यक्ति की है जो बचपन में ही अपनी मदर से अपने गाँव के बारे में एक भविष्यवाणी सुनता है और जीवन भर उस भविष्यवाणी के सच होने का इंतजार करता है ये गांव एक घाटी में स्थित होता है घाटी एक ऐसा भूभाग होता है जो दो तरफ से पहाड़ियों से घिरा रहता है कई पहाड़ियां इस तरह से आकृति बनाती हैं कि दूर से देखने पर किसी आदमी का चेहरा लगता है इस घाटी में भी एक ऐसा ही चेहरा बनाने वाली एक पहाड़ी थी दूर से देखने पर इस पहाड़ी पर एक दयालु सच्चा ईमानदार और महान चेहरा दिखाई देता था और इस महान चेहरे को देखकर किसी ने एक भविष्यवाणी की कि भविष्य में ऐसा ही महान ईमानदार दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति इस घाटी में जन्म लेगा एक बार बचपन में अर्नेस्ट अपनी मदर के साथ अपनी झोपड़ी के बाहर शाम के समय बैठा था इस झोपड़ी के सामने ही वो पहाड़ी थी जिस पर वह चेहरा दिखाई देता था दोनों माँ बेटे मिलकर उस चेहरे को देख रहे थे तब अर्नेस्ट कहता है कि माँ ये चेहरा कितना दयालु लगता है काश ये बोल पाता तो इसकी आवाज़ कितनी सुहावनी होती अगर मैं ऐसे व्यक्ति को देख लूँ तो उसे बहुत पसंद करूँगा तब अर्नेस्ट की मदर ने अपने बेटे को भविष्यवाणी बताई तब से अर्नेस्ट रोज शाम को उस चेहरे को देखता और उस महान व्यक्ति का इंतज़ार करता जिसका चेहरा उस पत्थर के महान चेहरे से मिलता है और वो व्यक्ति महान है एक दिन अर्नेस्ट ने गांव वालों से सुना कि इस घाटी में जन्मा एक व्यक्ति जिसका नाम गैदर गोल्ड है जो किसी दूर बंदरगाह पर बस गया था अब वो वापस आ रहा है और इस व्यक्ति का चेहरा इस पत्थर के महान चेहरे से मिलता जुलता है लोगों ने कहा कि गैदर गोल्ड ने बंदरगाह के पास कीपर का काम किया और इतना धन कमाया कि इसको गिनने में सौ साल लग जाएंगे अर्नेस्ट तो खुशी के मारे हिल गया लेकिन अर्नेस्ट बहुत दुखी हुआ जब उसने गैदर गोल्ड को देखा मिस्टर गैदर गोल्ड का चेहरा पत्थर के महान चेहरे से नहीं मिला लेकिन लोगों ने कहा कि ये तो वही महान इंसान है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे कुछ ही दिनों में मिस्टर गैदर गोल्ड का सारा धन ख़त्म हो गया गरीबी में उसकी मौत हो गई सब उसको भूल गई तब लोगों को पता चला कि मिस्टर गैदर गोल्ड वो इंसान नहीं था जिसका वो इंतजार कर रहे थे गैदर गोल्ड एक बर्बाद व्यापारी था उसका महानता से कोई लेना देना नहीं था महानता का धन से कोई लेना देना नहीं होता है महानता का अर्थ है दयालुता सरलता कोमलता और बुद्धिमानी सालों बीत गए अर्नेस्ट अब जवान हो गया वैसे तो अर्नेस्ट पर कोई ध्यान नहीं देता था लेकिन अर्नेस्ट की एक खास बात थी अर्नेस्ट अपना दिन का काम खत्म करके रोज पत्थर के महान चेहरे को देखता था क्योंकि अर्नेस्ट ने उसे अपना टीचर मान लिया था जिस तरह की दयालुता सरलता कोमलता उस चेहरे में दिखाई देती थी वैसा ही इंसान अर्नेस्ट बनने की कोशिश करता था एक बार फिर से एक दिन अर्नेस्ट ने गांव वालों से सुना कि इस घाटी में जन्मा एक व्यक्ति जिसको सब लोग ब्लड एंड थंडर के नाम से जानते हैं जो एक नौ सैनिक बन गया था अब एक कमांडर बन चुका है वही कमांडर महान है और वो वापिस आ रहा है कमांडर वापस आता है गांव के सब लोग कहते हैं कि इसका चेहरा एकदम से पत्थर के महान चेहरे से मेल खाता है लेकिन अर्नेस्ट एक ही नज़र में समझ जाता है कि ये वो महान इंसान नहीं है क्योंकि कमांडर ना ही तो दयालु था ना ही कोमल समय बीतता गया अर्नेस्ट बूढ़ा हो गया अब उसके सिर पर सफ़ेद बाल आ गए थे उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी लेकिन अर्नेस्ट अब तक एक दयालु सरल और बुद्धिमान व्यक्ति बन गया था दूर दूर से बुद्धिमान लोग उससे बात करने उसके पास आते और अर्नेस्ट पूरी ईमानदारी से अपने विचार उनके सामने रखता अर्नेस्ट अब प्रसिद्ध हो गया था अर्नेस्ट की दयालुता सरलता कोमलता और बुद्धिमानी के चर्चे सब जगह होते इसी घाटी का जन्मा एक कवि अर्नेस्ट के बारे में सुनता है और अर्नेस्ट से मिलने उसके घर आता है यह कवि पुरानी भविष्यवाणी को जानता था और अपनी कविताओं में पत्थर के महान चेहरे के गुणगान करता था इस कवि की कविताएं अर्नेस्ट भी पढ़ा करता था और अर्नेस्ट को लगा कि ऐसे महान विचारों वाला महान व्यक्ति ही इस महान चेहरे से मेल खाता होगा लेकिन जब वे मिले तो अर्नेस्ट फिर से दुखी हो गया क्योंकि वो कवि महान चेहरे से मेल नहीं खाता था शाम के समय अर्नेस्ट रोज गांव वालों से मिलता और उनसे बात करता वह कवि के साथ गांव वालों से मिलने जाता है अर्नेस्ट अपने विचार बता रहा होता है उसका चेहरा चमक रहा होता है कवि देखता है कि पत्थर के महान चेहरे के समान ही अर्नेस्ट का चेहरा है पहाड़ी पर सफेद कोहरा एकदम से अर्नेस्ट के सफेद बालों से मेल खा रहा है कवि अपने हाथ ऊपर करके चिल्लाने लगता है कि देखो देखो अर्नेस्ट ही वो महान व्यक्ति है जिसका हम इंतजार कर रहे थे भविष्यवाणी पूरी हो गई थी अर्नेस्ट अपनी बात पूरी करके घर की तरफ चलता है और उम्मीद करता है कि उससे भी अच्छा और ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कभी ना कभी प्रकट होगा जिसका चेहरा पत्थर के महान चेहरे से मेल खाएगा महान लोगों की खास बात है कि वो अपने आप को महान नहीं समझते इस तरह से भविष्यवाणी पूरी हो जाती है इस कहानी का सारांश है कि महानता का धन ताकत और शक्ति से कोई लेना देना नहीं है महान व्यक्ति वो है जो सरल है सच्चा है ईमानदार है बुद्धिमान है लोगों की मदद करता है और अपना काम समय पर पूरा करता है ये थी कहानी अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे बिफोर यू रीड मेनी इयर्स पास्ट कई साल बीत गए अर्नेस्ट वाज नाउ ए मैन ऑफ मिडिल एज अर्नेस्ट अब एक मिडिल एज आदमी था ना ही तो जवान ना ही बूढ़ा टू हिज नेबर्स अपने पड़ोसियों के लिए हु नेवर सस्पेक्टेड जिन्होंने कभी सस्पेक्ट नहीं किया महसूस नहीं किया दैट ही वॉज एनी थिंग मोर देन एन ऑर्डनरी एंड फेमिलियर फेस जिन्होंने कभी महसूस नहीं किया कि अर्नेस्ट एक सामान्य और एक परिचित चेहरे से कुछ ज़्यादा है ही वॉज ओनली ए हम्बल एंड हार्ड वर्किंग दो थॉटफुल पर्सन अपने पड़ोसियों के लिए अर्नेस्ट एक विनम्र परिश्रमी और एक विचारशील इंसान था इससे ज़्यादा नहीं था बट वॉट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी लेकिन पुरानी कहावत का क्या हुआ वॉज इट एवर फुलफिल्ड क्या ये कभी पूरी हुई लेटस रीड आओ पढ़ें एंड फाइंड आउट और पता लगाए फाइंड आउट का मतलब पता लगाना द ईयर्स हरीड ऑन शाल जल्दी जल्दी बीतते गई एंड ब्रॉट वाइट हेयर्स अपऑन द हेड ऑफ अरनेस्ट अब अर्नेस्ट के सिर पर सफ़ेद बाल आ गई एंड मेड रिंकल्स एक्रॉस हिज फॉर हेड उसके माथे के ऊपर झुर्रियाँ पट गई एंड फररोज इन हिज चीक्स और उसके गालों के ऊपर सिकन आ गई रेखाएं आ गई झुर्रियाँ पट गई ही वॉज एन ओल्ड मैन अब वो एक बूढ़ा इंसान था बट नॉट इन मैन हैड ही ग्रोन ओल्ड लेकिन उसका बुढ़ापा व्यर्थ में ही नहीं आया क्योंकि मोर न्यूमरस देन द वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड वर द वाइज थाट्स इन हीज़ माइंड जितने ज़्यादा उसके सिर के ऊपर बाल थे उससे कहीं ज़्यादा उसके दिमाग में विचार आते थे अब वो एक विचारशील इंसान बन चुका था एंड अर्नेस्ट हैड सीज्ड टू बी ऑब्स्क्योर सीज का मतलब समाप्त होना ऑब्सक्योर का मतलब नज़रअंदाज होना या फिर इग्नोर होना अर्नेस्ट ने अब इग्नोर होना बंद कर दिया था अब अर्नेस्ट सामने आना शुरू हो गया था अनशॉर्ट फोर अनशॉर्ट फोर का मतलब ना चाह अनडिज़ायर्ड जिसकी कभी इच्छा ही नहीं की हैड कम द फेम जिस ख्याति जिस प्रसिद्धि की अर्नेस्ट ने कभी इच्छा ही नहीं की थी वो उसको मिल गई थी विच सो मैनी सीख बहुत सारे लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं लेकिन उनको प्रसिद्धि नहीं मिलती वो प्रसिद्धि अर्नेस्ट 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 को मिल गई। अब फेमस हो हो चुका चुका था। था। घाटी की जो सीमाएं हैं, उनसे भी आगे तक एक्टिव मैन ऑफ सिटीज केम फ्रॉम फार टू सी एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट कॉलेज के प्रोफेसर्स, पढ़े लिखे प्रोफेसर्स और शहर के एक्टिव मैन भी दूर दूर से अर्नेस्ट को देखने या फिर अर्नेस्ट से बात करने वार्तालाप करने उसके पास आते थे एंड ही रिसीव्ड देम और अर्नेस्ट उनका स्वागत करता विद जेंटल सिंसियरिटी बड़ी गंभीरता से कोमलता से उनका स्वागत करता एंड स्पोक फ्रीली विद देम और उनसे बिना किसी दबाव के बात करता ऑफ वट एवर केम अपर मोस्ट जो भी उसको सही लगता और ले पेस्ट इन हिज हार्ट या फिर उसके दिल में जो भी होता वो साफ साफ बोलता और देअर ओन या फिर लोगों के मन में जो होता वो भी बोलता वाइल्ड दे टॉक्ड टूगेदर जब भी सब लोग मिलकर बात करते हिज फेस वुड ब्राइटन एन अन अवेयर्स एंड साइन अपॉन देम एज विद ए माइल्ड इवनिंग लाइट शाम की हल्की रोशनी में जब वो बात करते तो अर्नेस्ट का चेहरा अनजाने में ही चमकता वाइल अर्नेस्ट हैड बिन ग्रोइंग ओल्ड जैसे जैसे अर्नेस्ट बूढ़ा हो रहा था गॉड हैड ग्रांटेड ए न्यू पोइट टू दिस अर्थ ऊपर वाले ने भगवान ने इस धरती को इस घाटी को एक नया पोइट कवि दिया ही टू वॉज ए नेटिव ऑफ द वैली यह कवि भी इसी घाटी का मूल निवासी था बट लेकिन हैड स्पेंट द्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज़ लेकिन उसने अपने जीवन का मुख्यतः समय दूर शहरों में बिताया पोरिंग आउट पोर आउट का मतलब व्यक्त करना बताना हिज स्वीट म्यूजिक एवरी वेहर और इस कवि ने सब जगह पर अपनी जो कविताएँ हैं अपना जो संगीत है वो फैलाया व्यक्त किया नाइदर वॉज द ग्रेट स्टोन फेस फॉर गॉटन और इस कवि ने कभी भी ग्रेट स्टोन फेस को नहीं भूला फोर क्योंकि द पोइट हैड सेलिब्रेटेड इट इन अ पोइम और इसी कारण इस कवि ने अपनी एक कविता में इस ग्रेट स्टोन फेस का गुणगान किया सेलिब्रेट का मतलब गुणगान करना द संग्स ऑफ दिस पोइट इस कवि के गाने और कविताएँ फाउंड देयर वे टू अर्निस्ट अब Ernest तक भी पहुंच गए थे He read them after his customary toil. अपना रोजमर्रा का काम करके इन कविताओं को इन गानों को पढ़ा करता था। बेंच एक बेंच के ऊपर बैठ कर बिफोर हिज डोर अपने जो झोंपड़ी जो है उसके दरवाजे के सामने जो बेंच है उसके ऊपर बैठकर अर्नेस्ट उनको पढ़ा करता था एज ही रेड जैसे जैसे वो पढ़ता ही लिफ्टेड हीज आइज टू द माउंटन वह अपने आँखें उठाता और माउंटन की तरफ देखता ओह ग्रेट स्टोन फेस ही सेट और कहता इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस कि हे ग्रेट स्टोन फेस क्या ये इंसान क्या ये कवि तुम्हारे जैसी समानता के काबिल नहीं है द फेस सीम्ड टू स्माइल ऐसा लग रहा था कि वो चेहरा स्माइल कर रहा हो बट डिड नॉट आंसर लेकिन उस चेहरे ने आंसर नहीं दिया उत्तर नहीं दिया नाउ इट हैपन्ड और अब ऐसा हुआ दैट द पोइट जो कवि था दो यद्यपि ही लिव्ड सो फार अवे यद्यपि जो कवि है वो बहुत दूर रहता था हेड नॉट ओनली हैड ऑफ अर्नेस्ट उसने सिर्फ अर्नेस्ट के बारे में सुना ही नहीं बट हैड अबाउट इस कवि ने अर्नेस्ट के करेक्टर के बारे में चरित्र के बारे में टू मीट दिस मैन और अर्नेस्ट से मिलने की इच्छा की हुज विजडम जिसकी बुद्धिमानी वर्कड हैंड इन हैंड विद द नोबल सिंपलिसिटी ऑफ हिज लाइफ जिसकी बुद्धिमानी उसके जो सामान्य सरलता भरा जो जीवन है उसके साथ साथ चली और प्रसिद्ध हुई मतलब अर्नेस्ट सिंपल था और साथ में वाइज था वन समरडे देयर फॉर इसीलिए एक गर्मी वाले दिन ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर वह अर्नेस्ट के घर के दरवाजे तक पहुंचा। वेर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग ए बुक इन हीज हैंड और उसने उस ओल्ड मैन को पाया जिसके हाथ में एक किताब थी विच ही रेड एंड देन विद ए फिंगर बिटवीन द लीव्स लुक्ट लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस जिसको अर्नेस्ट पढ़ता और फिर अपनी अंगुली को उसके जो पेजेज हैं उनके बीच में डालकर लविंगली ग्रेट स्टोन फेस को देखता गुड इवनिंग सेट द पॉइंट कवि ने कहा गुड इवनिंग कैन यू गिव ट्रेवलर ए night's सेल्टर क्या आप एक यात्री को एक रात के लिए शरण दे सकते हो ग्लैडली जवाब दिया कि खुशी से एंड देन ही एडेड तब कवि ने कहा स्माइलिंग मुस्कुराते हुए कवि ने कहा आई थिंक मैं सोचता हूँ आई नेवर saw द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट ए स्ट्रेंजर तब कवि ने कहा कि मैंने कभी भी ग्रेट स्टोन फेस को एक अजनबी की तरफ इतने आदर के साथ देखते हुए नहीं देखा द पॉइट सेट डाउन बिसाइड हिम कवि अर्नेस्ट के साइड में बगल में बैठ गया एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक्ट टुगेदर उसने और अर्नेस्ट ने बात करना शुरू कर दिया नेवर बिफोर हैड द पॉइट टॉक्ट विद अ मैन लाइक अर्नेस्ट इससे पहले इस कवि ने अर्नेस्ट जैसे इंसान से बात नहीं की थी सो वाइज एंड जेंटल एंड काइंड अर्नेस्ट बहुत ही वाइज था जेंटल था और काइंड था अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड और दूसरी तरफ अर्नेस्ट वॉज मूड वाई वो हिल गया था बाय लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट ऑफ द पोइट्स माइंड जो कवि के दिमाग से सजीव कल्पनाएं बाहर आ रही थी उनसे अर्नेस्ट भी हिल गया था एज अर्नेस्ट लिस्टन टू द पोइट जैसे जैसे अर्नेस्ट है वो कवि की बातें सुन रहा था ही इमेजिन उसने कल्पना की दैट द ग्रेट स्टोन फेस वॉज बैंडिंग फॉरवर्ड टू लिस्सन टू तब अर्नेस्ट ने कल्पना की कि ग्रेट स्टोन फेस भी थोड़ा आगे की तरफ झुक गया है ताकि वह भी इस कवि की बातें सुन सके ही गेज्ड इन टू द पोइट्स आइज अर्नेस्ट ने कवि की आंखों में देखा हु आर यू माय गिफ्टेड गेस्ट ही आस्क्ड अर्नेस्ट ने पूछा कि हे मेरे प्रतिभाशाली गुणी अतिथि तुम कौन हो द पोएट द पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग जो किताब अर्नेस्ट पढ़ रहा था उसके ऊपर कवि ने अंगुली रखी यू हैव रेड दीज पोएम्स सेड ही उसने कहा तुमने इन कविताओं को पढ़ लिया है यू नो मी देन तब तुम मुझे जानते हो फॉर क्योंकि आई रॉट देम क्योंकि इन कविताओं को मैंने ही लिखा है अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामाइन द पोइट्स फीचर्स बार बार अर्नेस्ट ने कवि के चेहरे को नाक नक्श को परखा देखा ही टर्न टूअर्ड्स द ग्रेट स्टोन फेस देन बैक और फिर से ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखा हिज सुक हिज हैड अर्नेस्ट ने अपना सिर हिलाया एंड साइड और आह भरी विलाप किया वाई आर यू सैड इंक्वायर द पोइट कवि ने पूछा कि आप दुखी क्यों हो गई बिकॉज रिप्लाइड अर्नेस्ट ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इंतजार किया है द फुलफिलमेंट ऑफ आई प्रोफेसी एक भविष्यवाणी के पूरे होने का मैंने जीवन भर इंतज़ार किया है इसीलिए मैं दुखी हूँ एंड वेन आई रेड दीज पोइम्स और जब मैंने इन कविताओं को पढ़ा आई होप्ड मैंने उम्मीद की दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू और मैंने सोचा कि इन कविताओं को लिखने वाला कवि मतलब तुम ही ये ग्रेट स्टोन फेस वाला इंसान हो लेकिन तुम्हारा चेहरा इस ग्रेट स्टोन फेस से नहीं मिलता है इसीलिए मैं दुखी हूँ क्योंकि आज भी मेरी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई यू होप्ड तुमने उम्मीद की आंसर द poet, कवि ने उत्तर दिया कि तुमने उम्मीद की फेंटली स्माइलिंग थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुराते हुए टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस ग्रेट स्टोन फेस जैसी समानता तुम मेरे अंदर मिलने की उम्मीद कर रहे थे आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस मैं इसके जैसी समानता के काबिल नहीं हूं ये कवि ने कहा एंड वाई नॉट और क्यों नहीं आस्ट अर्नेस्ट अर्नेस्ट ने पूछा कि क्यों नहीं तुम इसके काबिल क्यों नहीं हो सकते ही पॉइंटेड टू द बुक उसने बुक की तरफ इशारा किया आर दोज आर नॉट दोज थॉट वर्दी क्या ये विचार इस काबिल नहीं है यू कैन हियर इन देम द डिस्टेंट वॉइस ऑफ ए हेमली सॉन्ग तुम इनके अंदर एक दिव्य गाने की आवाज़ सुन सकते हो तब कवि ने कहा बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज़ नॉट कॉरेस्पॉन्डिड विद माई थॉट्स मेरे प्यारे अर्नेस्ट मेरा जीवन और मेरे विचार दोनों आपस में मेल नहीं खाते मेरा जीवन अलग है और मेरे विचार अलग हैं आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स मेरे बड़े बड़े सपने थे बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स लेकिन ये सिर्फ सपने ही रहे समटाइम्स आई लेक फेथ इन माई ओन थॉट्स कई बार मुझे अपने खुद के विचारों पर विश्वास नहीं होता है या फिर कम होता है वाई देन तब क्यों प्योर सीकर ऑफ गुड अच्छा चाहने वाला एंड ट्रू और सच्चाई चाहने वाला शुड यू तुम जो कि हमेशा अच्छा चाहते हो और सच्चाई चाहते हो होप उम्मीद करते हो टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन इस माउंटेन के चेहरे मे मुझे मिलने की उम्मीद क्यों करते हो द पोएट स्पोक सैडली कवि ने दुखी होकर कहा एंड हिज आइज वर वेट विद टीयर्स और उसकी आंखें आंसुओं की वजह से नम हो गईं सो इसीलिए टू ओवर दोज ऑफ अर्नेस्ट इसीलिए अर्नेस्ट की आंखें भी आंसुओं से नम हो गई एट द आवर ऑफ सनसेट शाम के समय एज हैड लोंग बीन हिज कस्टम जैसा कि अर्नेस्ट की आदत बन चुकी थी अर्नेस्ट वॉज टू स्पीक टू ए ग्रुप ऑफ नेबर्स अर्नेस्ट अपने पड़ोसियों से बातें किया करता था इन द ओपन एयर खुली हवा में टुगेदर ही एंड द पॉइट पॉइट कवि और अर्निस्ट दोनों वेंट टू द मीटिंग प्लेस मीटिंग वाले जगह पर गए आर्म इन आर्म एक साथ, साथ साथ हाथों में हाथ डाल करके फ्राम देअ कुी द ग्रेट स्टोन फेस और जहाँ से ग्रेट स्टोन फेस भी दिखाई देता था अरनेस्ट थ्रू ए लुक ऑफ फेमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस अर्नेस्ट ने अपने दर्शकों की तरफ जानी पहचानी दयालुता से देखा थ्रो ए लुक का मतलब देखना ही बिगेन टू स्पीक उसने बोलना शुरू किया टू दीपल लोगों से वॉट वॉज इन हीज हार्ट एंड माइंड जो भी अर्नेस्ट के दिल में और दिमाग में था वो अर्नेस्ट ने बोलना शुरू कर दिया हिज़ वर्ड्स हैड पावर उसके शब्दों में पावर थी शक्ति थी बिकॉज दे एग्रीड विद हिज़ थाट्स क्योंकि उसके शब्द उसके विचारों से मिलते थे एंड हिज थाट्स हैड रियालिटी एंड डेप्थ और उसके विचारों में सच्चाई वास्तविकता और गहराई थी बिकॉज दे हारमोनाइज विद द लाइफ ड ऑलवेज लिव्ड क्योंकि उसके विचार उसके जीवन से मेल खाते थे हारमोनाइज का मतलब मेल खाना उसके जीवन से मेल खाते थे जो जीवन उसने जिया था इट वॉज नॉट मेयर ब्रेथ ये सिर्फ हवाबाजी नहीं थी ये सिर्फ कोई सांस लेना नहीं था दैट द प्रीचर अटल जो शब्द उपदेशक बोल रहा था ये सिर्फ हवा नहीं थी हवाबाजी नहीं थी दे वर दर्ड्स ऑफ लाइफ ये जीवन के शब्द थे अ लाइफ ऑफ़ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव वॉज मेल्टेड इन टू देन देन इन शब्दों के अंदर अच्छे कर्मों का जीवन और स्वार्थ रहित प्रेम मेल्ट हो चुका था मिल चुका था द पोइट कभी एजीज लिशन जैसे जैसे कभी सुन रहा था फेल्ट महसूस किया दैट द लाइफ एंड द कैरेक्टर ऑफ अरनिस्ट वॉज ए नोब्रल नोबलर स्ट्रेन ऑफ पोएट्री देन ही हैड एवर रिटर्न कवि ने महसूस किया कि जितनी भी अच्छी अच्छी कविताएँ उसने लिखी हैं उससे अच्छा तो अरनेस्ट का जीवन और चरित्र रहा है हीज़ आइज़ फिल्ड विद टीयर्स कवि की आँखें नम हो गई उनमें आंसू आ गई एंड ही सेट टू हिमसेल्फ और कवि ने खुद से कहा दैट नेवर वॉज देअर सो वर्दी ए सेज आज तक ऐसे संत ऐसे काबिल संत का जन्म इस घाटी में नहीं हुआ एज दैट माइल्ड स्वीट थोटफुल फेस जिसके साथ इस ऐसा दयालु मीठा और विचारशील चेहरा हो विद द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर डिस्फ्यूज अबाउट इट और जिसके सिर के ऊपर सफेद बालों की शोभा हो ऐट ए डिस्टेंस कुछ ही दूरी पर बट क्लियरली टू बी सीन लेकिन दिखने में एकदम से साफ हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग शन सूर्यास्त के समय की गोल्डन लाइट में अपियड प्रकट हुआ दिखाई दे रहा था द ग्रेट स्टोन फेस विद वाइट मिस्ट्स अराउंड इट और इस ग्रेट स्टोन फेस के चारों तरफ सफ़ेद धुंध कोहरा छाया हुआ था लाइक द वाइट हेयर्स अराउंड द ब्राउ ऑफ अर्नेस्ट अर्नेस्ट की जो बोहे हैं उनके ऊपर जो सफ़ेद बाल हैं उसके जैसे ही सफ़ेद धुंध सफ़ेद कोहरा ग्रेट स्टोन फेस के चारों तरफ छाया हुआ था एट दैट मोमेंट उस क्षण पर क्षण में अर्नेस्ट फेस टुक ऑन एन एक्सप्रेशन सो ग्रैंड और इस समय अर्नेस्ट का चेहरा इतना महान हाव भाव व्यक्त कर रहा था दैट द पोइट वॉज मूव्ड टू थ्रो हिज आर्म्स अप एंड साउट जिससे कि पॉइट है वो अपने हाथ ऊपर करके चिल्लाने लग गया बी होल्ड बीहोल्ड देखो देखो अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस अरे अर्नेस्ट ही तो खुद ग्रेट स्टोन फेस के समान है देन ऑल द पीपल लुक्ड तब सब लोगों ने देखा एंड शो so, और देखा दैट वॉट द पोइट सेड वॉज ट्रू कि जो भी कवि ने कहा है वो सच है द प्रोफेस ही वॉज़ फुलफिल्ड भविष्यवाणी पूर्ण हो गई थी पूरी हो गई थी सच हो गई थी बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड वॉट ही हैड टू से लेकिन अर्नेस्ट जो भी उसको कहना था, था वो कहकर टुक द पोइट्स आर्म उसने पोइट का हाथ पकड़ा एंड वॉकड स्लोली होमवर्ड्स और धीरे, धीरे धीरे घर की तरफ चलना उसने शुरू किया स्टिल होपिंग और अभी भी उसको उम्मीद है अभी भी अर्नेस्ट को उम्मीद है दैट कि सम वाइजर एंड बेटर मैन देन हिमसेल्फ कि उससे खुद से भी ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बुद्धिमान आदमी वुड बाई एंड बाई अपियर कभी ना कभी प्रकट होगा बेरिंग अ रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस और जिसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता होगा ये था हमारा चैप्टर नंबर टेन जिसका नाम था द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट टू अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू